नमस्कार, गोरखपुर न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं समी। अब खबरें विस्तार से। नगर निकाय चुनाव में वार्ड नंबर 12 से अशोक नगर के पार्षद प्रत्याशी के प्रतिनिधि राजेश तिवारी ने कहा कि वार्ड नंबर 12 अशोक नगर से महिला सीट से हम चुनाव लड़ रहे हैं, जहां से मेरी पत्नी सुमन तिवारी प्रत्याशी हैं, जिनका चुनाव चिन्ह इमली है। इसके पहले जब पुरुष सीट था तब मैं जीतकर 5 साल पार्षद था। इस समय निर्वर्तमान पार्षद हूँ। उन्होंने कहा, पिछले सालों में जल भराव की समस्या हो या कोविड काल हो, हमेशा जनता के बीच था और हमेशा रहूंगा। अशोक नगर की जनता के बीच, जिसके कारण जनता चाह रही थी मैं चुनाव दोबारा लड़ूं, इसीलिए दोबारा चुनाव लड़ रहा हूं। मेरा चुनाव चिन्ह इमली है और निर्दल चुनाव लड़ रहा हूं। उन्होंने कहा, 5 साल के कार्यकाल में 32 करोड़ का काम कराया, नगर निगम के अलावा भी शासन व डूडा से काम कराया, जो कि धरातल पर दिख रहा है। मेरे साथ जनता का समर्थन है, इसके लिए मैं अशोक नगर की जनता से अपील है कि इमली पर वोट देकर दोबारा मुझे जिताएं, जिससे दोबारा विकास का कार्य कर सकूं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए अशोक नगर के पार्षद प्रत्याशी के प्रतिनिधि राजेश तिवारी ने कहा, देखिए वार्ड नंबर 12 अशोक नगर बशारतपुर से मैं इस वर्तमान में महिला सीट पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मेरी प्रत्याशी हमारी पत्नी सुमन तिवारी हैं। इसके पहले जब पुरुष सीट था तो मैं राजेश तिवारी यहाँ से पार्षद रह चुका हूँ। वर्तमान में मैं निवर्तमान पार्षद राजेश तिवारी हूँ। 5 वर्षों में जल भराव का हो चाहे कोरोना काल हो, मैं जनता के बीच रहा, सुख दुख में रहा और जनता की सेवा में तत्पर रहा। यही कारण है कि जनता में मेरी डिमांड बहुत बढ़ी हुई है और जनता मुझे चाह रही है कि मैं फिर दोबारा चुनाव लड़ूँ। जनता के आग्रह पर, निवेदन पे मैं दोबारा चुनाव मैदान में हूँ। चुनाव चिन्ह इमली है मेरा। निर्दल प्रत्याशी के रूप में जनता के दरबार में हूँ। मैंने अपने पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल में लगभग 32 करोड़ का काम कराया। नगर निगम के अलावा भी, नगर निगम की चूँकि एक सीमा है, उससे अधिक काम नहीं कराया जा सकता है, तो नगर निगम के अलावा भी त्वरित विकास योजना 14 वित्त 15 वित्त शासन से, डूडा से, भिन्न भिन्न विभागों से जाके शासन से स्वीकृत करा के मैंने अपने वार्ड में काम कराया है, जो कि धरातल पर दिख रहा है। जनता का अपार समर्थन मिल रहा है मुझे। मैं फिर से सम्मानित जनता अशोक नगर वार्ड नंबर 12 की जनता से अपील करता हूं कि मुझे भारी मतों से विजय बनाए, ताकि मैं अगले 5 वर्ष पुनः जनता की सेवा कर सकूं। वार्ड की क्या समस्या है? इसको चुनाव में तमाम प्रत्याशी आ रहे हैं, वादे कर रहे हैं, क्या आपकी समस्या है? इसको जो आप दूर करेंगे, कुछ सोचा होगा कि कुछ काम बाकी रह गया? देखिए, समस्याएँ तो मैंने पिछले 5 वर्षों में सभी दूर कर दिया है। हाँ, ये जरूर है कि मेरे वार्ड बहुत खराब स्थिति में था, जल भराव क्षेत्र रहा, डूबा हुआ था, तो उसको उच्चीकरण करके सुधार दिया गया है। अब वार्ड को सजाना बाकी है, इसलिए मुझे 5 वर्ष कर चाहिए। मुझे अगले 5 वर्षों में सीवर लाइन बिछाना है, गैस पाइपलाइन बिछाना है और सारी बहुत सारी हमारी योजनाएँ हैं जिस पर हम लोग काम करेंगे अगले 5 वर्षों में। अपना नाम? मेरा नाम राजेश तिवारी, प्रत्याशी का नाम सुमन तिवारी, चुनाव चिन्ह इमली।